मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड, मेमोरियल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूफाउंडलैंड, यूजुअली नोन एज मेमोरियल यूनिवर्सिटी और MUN, इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी विद इट्स मेन कैंपसेस इन सेंट जॉन, फाउंडेड इन सितंबर. Memorial was ranked among the top 751 to 800 in between universities world ranking in the 2022 QS World University Ranking. The best global university list has the Memorial University Newfoundland at the position of 698. Memorial University is one of the Canadian top 20 research universities and the first Canadian to serve to international graduate students. Its acceptance rate is 60-70% at the time of admission. So it's quite very good acceptance rate. Let's find out the admission entry requirement. For undergraduate, higher secondary certificate, HSC, ISC, FSC hona bahut zaruri hai, with minimum of on average is 50% for the subject. Particular average subject ke andar majoring mein 50%, overall 50% or above you are eligible. इंटरनेशनल बार्कलेट की अगर बात करें तो आई बी वालों के लिए मिनिमम 24 पॉइंट्स होने चाहिए. ए लेवल वालों के लिए ए डबल बी ट्रिपल बी या ट्रिपल सी बी यू आर स्टिल एलिजिबल. पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करूँ तो 4 ईयर्स डिग्री विद बैचलर्स मिनिमम आपके पास होना बहुत जरूरी है विद द सेकेंड क्लास, या आप समझेंगे 65% और अबव अगर आपके पास है यू आर स्टिल एलिजिबल. कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर मुझे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मिला नहीं कि इतना पर्टिकुलर परसेंटेज हो, जैसे कि सेकंड क्लास अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं. 60-65% वाला कैन ट्राई. इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो आइल्स मिनिमम ओवरऑल 6.5 विद नो लेस देन 6.0 नीचे होना बहुत जरूरी है, और रीडिंग एंड राइटिंग में पर्टिकुलर 6 मांगा है. टॉफिल की अगर बात करें तो ओवरऑल 79 होना चाहिए विद मिनिमम स्कोर ऑफ 20 इन रीडिंग एंड राइटिंग और नो लेस देन 17 इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग होना बहुत जरूरी है. पीटी की अगर बात करूं तो 58 ओवरऑल आपसे मांगा गया है विद ईच सब स्किल आपका कुछ भी हो कोई मसला नहीं, ओवरऑल 58 आना का होना बहुत जरूरी है. ये तो थी अंडर ग्रेजुएट की आइल्स टॉफिल और पीटी की रिक्वायरमेंट. अब पोस्ट ग्रेड की अगर देखूं तो पोस्ट ग्रेड में मिनिमम ओवरऑल 7 बैंड्स आपसे मांगा गया है विद ईच कंपोनेंट आपका कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको. टॉफिल अगर आपके पास है आईबीटी इंटरनल बेस है तो 92 से 93 और हायर होना बहुत जरूरी है आपके पास टू सिक्योर द एडमिशन मास्टर्स. ट्यूशन फी की अगर बात करें तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के बाद डिग्रीज हो या आर्किटेक्चर की डिग्री हो, बिजनेस की डिग्री हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हो, एजुकेशन हो, हेल्थ साइंसेज में लॉ है, तो यूनिवर्सिटी इज द स्टैंडर्ड फीस $20,000 वट एवर यू वॉन्ट्स टू स्टडी. इवन दो दिस यूनिवर्सिटी ऑफर बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, बैचलर्स ऑफ लॉ, बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी, साइंसेज की डिग्री भी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है. फी विल रिमेन द सेम $20,000. पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करूं तो इट्स वेरी अफोर्डेबल. ऑल ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन $6,319 पर एनम पर. अगर लिविंग कॉस्ट की अगर बात करूं तो फुल टाइम की अगर जो लिविंग का एक फुल ईयर की जो है वो $21,096 है, जिसमें आपकी लिविंग कवर होती है, इसमें आपकी हाउसिंग मील्स ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. एप्लीकेशन फीस $120 है और एप्लीकेशन डेडलाइन March 1st फॉर September 2023 है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो है April 1st फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है. अब बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में. जो अंडर ग्रेजुएट की जो स्कॉलरशिप है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस स्कॉलरशिप, ये जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो अराउंड है 4,000 ईच ईयर, नॉट द 40,000 एनुअली आपको दिया जाता है. तो आपको हर साल $4,000 का दिया जाता है. इसकी तमाम डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने अपनी वेबसाइट studyabroadupdates.com उस पर मैंशन किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स कैन अवेल. और ये 2 semester की आपकी स्कॉलरशिप होती है जो फर्स्ट अकेडमिक ईयर में आपको मिलता है, फिर सेकंड अकेडमिक ईयर में आपको मिलता है. इसकी तमाम तो डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगी हाउ यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप. सेकंड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी जो ऑफर करती है दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट अकेडमिक अवार्ड IUAA, as you can see on my screen, इसका जो वैल्यू अवार्ड है वो $3,000 है, और ये भी ऑटोमेटिकली टॉप अकेडमिक स्टूडेंट्स के को कंसिडर कर लिया जाता है. इसके लिए कोई आपको सेपरेटली अप्लाई नहीं करना, और ये 2 semester का अवार्ड होता है जो आपको एक फुल टाइम स्टूडेंट्स को दिया जाता है. बट आपके पास मिनिमम क्रेडिट आर्ट्स पर सेमेस्टर होना बहुत जरूरी है. वो तमाम डिटेल्स मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com वहाँ पर आप जाएँ तो मैंने इसके लिए तमाम तरह डिटेल्स मैंशन की हुई हैं किस तरीके से आप इस अवार्ड को अवेल कर सकते हैं.